ओके ये सबने नोट किया? अगर इसे नोट नहीं किया तो फॉर्मूला अप्लाई करके इसको नोट करना। एनसीईआरटी ने पेज नंबर 13 पे दिया है। नाउ बस आज का जो टॉपिक है दैट इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ऑफ शोधन। इसमें हम पढ़ रहे थे कौन से एलिमेंट्स, याद है किसी को? इसमें हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके हम इवेंट्स पढ़ रहे थे। इसमें पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये भी मैंने आपको बोला था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन सी चीजें आती है। प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले याद है किसी को बेटा? शाबाश, क्या मैं तो हूं? जेनेसिस। नंबर सेकंड इज गैमेट, ट्रांसफर। ओके, क्या हमने ये वाला कोर्स कंप्लीट किया था? गैमेट और जेनेसिस हमने पढ़ा था, उसमें स्ट्रक्चरल डीएनए ऑर्गेनेल्स पढ़ा था, सेल डिवीजन इन ड्यूरिंग गैमेट इज हुआ था। चलो आप सामने बारा नहीं अलग टाइम हमारे पास बहुत ही कम बचा है, तो आपका जितना ज्यादा अटेंशन यहां रहेगा उतना ही जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कवर होगा। मुझे मालूम है मेरी आवाज बहुत सारे बंदों को सता रही है, मैं आवाज कम करता। ओके काफी है ना, इतना चलेगा, ये ठीक है ना इतना? चलो बेटा अब देखो क्लियर, आज हम पढ़ेंगे गैमेट ट्रांसफर। गैमेट को ट्रांसफर करना है, क्लियर? कहां से ट्रांसफर होगा? फ्रॉम मोस्ट गैमेट देखेंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट होता है यहां, फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर। एक इंडिविजुअल से गैमेट जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं दूसरे इंडिविजुअल के अंदर, क्योंकि यहां पे हमने देखा है अगर हम बात करेंगे बेटा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स को उसके अंदर, तो यहां पे दो प्रकार के गैमेट्स बनते हैं। वन इज द मेल गैमेट एंड सेकेंड इज द फीमेल गैमेट। ये आप मानने के लिए रेडी हो है ना? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं जो मेल गैमेट है दिस इज smaller in size, while as the female gamete is larger in size. इसके साथ साथ में हमें यह गैमेट भी देखने को मिलता है जो मेल गैमेट है दिस इज मोटाइल इन मोस्ट केसेस, ये मोटाइल है और ये जो है इस टेस्ट के लिए ये एक ही जगह बैठता है जनरली। अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे मेल गैमेट को ही ट्रांसफर किया जाता है फीमेल के बॉडी के अंदर, तब जाके वहां पे क्या हो जाएगी फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ क्यों इतने खुश दिख रहे आज ना? चलो कल संडे आने वाली है, परसों एग्जाम होगा, हमारा चैप्टर भी जस्ट कंप्लीट होने जा रहा है आज या कल डेफिनेटली। बस बेटा नाउ ओके, अगर कोई क्लास में इंटरेस्ट नहीं है ही और शी कैन गो आउटसाइड द क्लास, वो जा सकता है क्लास से बाहर, वो जा सकती है क्लास से बाहर, बट डिस्टर्बेंस क्लास में नहीं चाहिए।
ये मोटाइल होता है और ये जनरली इमोटाइल होता है, क्लियर। ये मूवेबल रहता है, ये इमूवेबल रहता है, मोस्ट पीस। इसमें यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे जो गैमेट है उनको ट्रांसफर करना जरूरी पड़ता है, ट्रांसफर फॉर सिंकेन फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर हम बात करें कहीं यहाँ पे गैमेट ट्रांसफर के लिए, गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए बेटा। गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए और ये मीडियम जो है अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ एल्गी, इन केस ऑफ सर्टेन फंजाई, लो एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ज्यादा वाटर के अंदर रहते हैं, वहां पे इनका जो मीडियम है दैट इज मोस्टली वाटर। गैमेट ट्रांसफर करने के लिए नॉन मोटाइल लिखो, इमोटाइल लिखो, इमूवेबल लिखो, चलेगा। ओके, नॉन मोटाइल जो मूव नहीं करता है, एक ही जगह बैठता है। तो अब इस मेल गैमेट को जनरली मेल गैमेट देता है, इसको ट्रांसफर करने के लिए फीमेल बॉडी के अंदर या फीमेल बॉडी के ऊपर कुछ तो भी मीडियम चाहिए जिसके थ्रू ये पास हो सकता है। और मोस्ट केस में अगर बात करेंगे एल्गे और फंजे की, वो मीडियम जो रहता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर के फॉर्म में रहता है। तो यहां पे इस वाटर के जो वाटर है इज द वाटर पॉइंट, देयर मेल जो है वो अपने गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। मान लो फीमेल गैमेट यहां पे बैठा है, दीज आर द फीमेल गैमेट्स इनसाइड द वाटर। ये मेल गैमेट्स भी यहां पे शेड किए जाते हैं और वाटर के थ्रू ये मेल गैमेट जो है ये चाहते हैं फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करने के। ओके, इन दिस केस अगर हम इस केस की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ मेल गैमेट्स, फॉर एग्जांपल ये यहां पे बैठा है फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट का नंबर फॉर एग्जांपल 100 है, 100 नंबर फीमेल गैमेट्स का, फीमेल ने 100 एग्स रिलीज किए, ऐसे। अब इधर जो है ये मेल गैमेट है, आप मुझे बोलो मेल गैमेट किस केस में एक होगा या हंड्रेड्स होगी? ओनली मेल गैमेट सिंगल प्रोड्यूस किया जाएगा या हंड्रेड प्रोड्यूस की जाएगी? सिंगल। देखो इसके लिए रीजन है, अगर यहां पे सर सिंगल गैमेट प्रोड्यूस किया होता, क्लियर, तो एक मेल गैमेट सिर्फ एक फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर सकता था, बाकी बच गए वो जाया हो जाएंगे, फायदा ही नहीं है। नंबर वन, मेल गैमेट्स यहां पे बहुत सारे प्रोड्यूस किए जाते हैं, इनका नंबर मोर देन 10% इनसे ज्यादा होता है, 10 गुना ज्यादा, 10 टाइम्स। अगर ये 100 है तो इनका नंबर जो है 1000 होगा, 1000 इन नंबर। याद रखना गैमेट ट्रांसफर इन केस ऑफ एल्गी एंड फंजे जिनमें वाटर जो है वो मीडियम होता है, उनके अंदर मेल गैमेट 10 टाइम्स ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं नंबर में देन दैट ऑफ द फीमेल गैमेट। उसका रीजन ये है, सुनो, उसका रीजन ये है कि
ये जो मेल गैमेट है इनको फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए कुछ तो भी एनर्जी लगती है, और इस मेल गैमेट में सिर्फ कुछ ही स्पर्म्स यहां पे पहुंच पाते हैं, बाकी जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। इनका अगर नंबर n था, इनका नंबर है 10n, 10 गुना ज्यादा। ये अगर 10 गुना ज्यादा नहीं प्रोड्यूस किए जाएंगे तो एग्स के करीब बहुत ही कम पर पहुंच पाएंगे, और उससे क्या होगा, ये बहुत ही बड़ा लॉस होगा। अगर बहुत ही कम पर यहां पे आ पाए तो बहुत ही कम एग्स जो है वो फर्टिलाइज हो जाएंगे और बहुत ही कम पॉपुलेशन बनेगी यहां, जो एक लॉस है। तो ये लॉस बचाने के लिए मेल क्या करता है, मेल अपने गैमेट्स का नंबर बढ़ाता है। मेल जो है अपने गैमेट्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ाता है टू ओवरकम दिस लॉस, टू ओवरकम दिस लॉस। मेल गैमेट का जो नंबर होता है दैट इज वेरी हाई, वो बहुत ही ज्यादा रहता है। गैमेट ट्रांसफर में मेल का गैमेट जो है वो नंबर में बहुत ज्यादा रहता है। मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं, आपने बड़ा लिखता हूं। मेल गैमेट नंबर में ज्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी जर्नी होती है, इस जर्नी में ये लॉस हो जाते हैं, बहुत ही कम स्पर्म पहुंच पाते हैं यहाँ पे, इसीलिए नंबर मेल का ज्यादा होता है, मेल स्पर्म का नंबर बहुत ही ज्यादा रहता है ताकि ये लॉस ना हो जाए यहाँ पे। अगर यहाँ पे 10 था तो फिर भी लास्ट पे यहाँ पे एन नंबर बराबर पहुंचता है, जो हर एक स्पर्म, जो हर एक एग के लिए एक एक स्पर्म अवेलेबल रहता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन। क्लियर, केस नंबर सेकेंड, ये था केस नंबर फर्स्ट। इन केस ऑफ सम सिंपल ऑर्गेनिजम्स ये वाला ऐसे होता है। अगर मैं घर केस नंबर सेकेंड की बात करूंगा, केस नंबर सेकेंड में हम लेते हैं उन प्लांट्स की एग्जांपल जो प्लांट्स बाइसेक्चुअल है। क्लियर, बाइसेक्चुअल प्लांट्स, बाइसेक्चुअल प्लांट्स को हमने और नाम दिया था, याद है किसी को? बाइसेक्चुअल प्लांट्स को मैंने और एक नाम दिया था, याद है किसी को? दैट इज नोन एज डायोशियस, मोनो मोनोशियस, बाइसेक्चुअल। एक ही प्लांट के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं, प्लांट वाइज एक ही है, मोनो एक, मानो एक शियस बॉडी, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स प्रेजेंट है ना, बाइसेक्चुअल। फॉर एग्जांपल पी प्लांट, पी प्लांट में क्या होता है, इफ दिस इज फीमेल पार्ट दैट इज डायनोशियम यहां पे प्रेजेंट होता है, एंथर, सुनो बेटा, दिस इज एंथर, इसमें पॉलीग्रीन्स होते हैं, पॉलीग्रीन्स, और दिस इज स्टिग्मा, ये पॉलीग्रीन्स जो है इस स्टिग्मा के ऊपर लाए जाते हैं, क्यों, कितनी नजदीक है ना दोनों, एक दूसरे के करीब करीब रहते हैं। क्लियर, ये इसके ऊपर गिर जाते हैं, नंबर वन। नंबर सेकंड रीजन, ये जो एंथर है ये थोड़ा सा ऊपर रहता है, स्टिग्मा नीचे रहता है, ऊपर से जो भी पॉलीग्रेन गिरेंगे वो गिरेंगे हमारे स्टिग्मा के ऊपर, ओके, और ये स्टिग्मा से फिर यहां पे प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, ऐसे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं,
इन ऑव्यूल्स के अंदर बैठे हैं एग सेल्स, दिस इज द एग सेल इनसाइड ऑव्यूल। ये जो यहां पे मेल स्पर्म है जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स को लाया जाता है पोलन ट्यूब से, ऐसे एक ट्यूब रहता है इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब से इस मेल गैमेट को लाया जाता है फ्रॉम द स्टिग्मा इनटू द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स बैठे हैं और ओव्यूल्स के पास में इनको यहां पे रिलीज किया जाता है, फिर यहां पे वो एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करता है। सेम प्लांट है, यहां पे सिंपल तरीके से एंथर से पोलन ग्रेन्स को लाया जाता है स्टिग्मा पे, गैमेट ट्रांसफर होता है, इसको हम बोलते हैं सेल पॉलिनेशन। In case of unis, in case of bisexual plants, gametes are transferred by self pollination. याद रखना, समझ आ गया बेटा? Bisexual plants के अंदर कौन सी pollination से होता है gamete transfer? Self pollination. याद रखना। अगर मैं बात करूंगा केस नंबर थर्ड, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स की बात करूंगा, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स को हम एक और नाम देते हैं डायोशियस, डायोशियस प्लांट्स। डायोशियस में क्या लेता है? दो गांड बॉडीज देती है। ये यहां पे एक प्लांट में फीमेल गैमेट होगा, एक प्लांट में फीमेल ऑर्गन होगा और दूसरे प्लांट में ओनली मेल होगा। दिस द प्लांट वन, दिस द प्लांट टू, प्लांट सेकेंड। तो ये काफी डिस्टेंस में प्रेजेंट रहते हैं, दूर दूर प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि दो अलग अलग फ्लावर्स है, दो अलग अलग फ्लावर्स में कोई पिस्टलेट है कोई स्टेमिनेट है, किसी के अंदर ओनली मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, किसी के अंदर ओनली मेल गैमेट्स है। तो यहां पे भी सर पॉलिनेशन होगी, यहां पे जो पोलन ग्रेन्स है उनको लाया जाएगा इस स्टिग्मा के ऊपर, ये जो स्टिग्मा है इसके ऊपर लाया जाएगा इनको, क्लियर, बाय सम एजेंट्स, कुछ एजेंट्स यहां पे रहेंगे, किसी के जरिए लाया जाएगा ये गैमेट जो यहां पे ट्रांसफर किया जाएगा, किसी के जरिए किया जाएगा, वेक्टर्स के जरिए। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा, ये हो सकता है इंसेक्ट, ये हो सकते हैं इंसेक्ट्स, कोई इंसेक्ट यहां पे आके बैठा, इसके पोलन ग्रेन्स उसके विंग्स पे लगे, उसके लेग्स पे लगे और वही इंसेक्ट आके बैठा यहां पे स्टिग्मा के ऊपर, तो इस तरह से ये पोलन ग्रेन्स आके यहां पे लग जाते हैं। ये हो सकता है थ्रू बर्ड्स, बर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है ये, है ना, ये हो सकता है थ्रू एयर, एयर से भी आ सकते हैं, ये हो सकता है थ्रू वाटर, ये भी लग अच्छा रहेगा वीन, ये वाटर से भी हो सकता है ना, इनको हम बोलते हैं एजेंट्स। अगर ये गैमेट ट्रांसफर इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में कुछ कुछ एजेंट्स से ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम बड़ा नाम देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल, मेरा क्वेश्चन आपसे ये, in case of unisexual, in case of bisexual plants, gamete transfer occurs through, अब आप आंसर क्या होना चाहिए? Self pollination. अगर मेरा क्वेश्चन ये होगा, in case of unisexual plants या dioecious plants, जो gamete transfer होता है, it occurs through cross pollination. हो गए तीनों केस खत्म। केस नंबर वन, algae फंजी की बात करेंगे तो वाटर एज ए मीडियम,
केस नंबर सेकंड की बात करेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन, केस नंबर थर्ड की बात करेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन, केस नंबर फोर की बात करूंगा मैं यहां पे सिंपल यूनिसेल्यूलर ह्यूमंस, सॉरी यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, ये हमारे पास चौथा केस है। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में भी क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट सेपरेट ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, है ना, इसके लिए आप एग्री हो? यस। तो इसमें किस मैकेनिज्म से गैमेट ट्रांसफर किया जाता है, इसमें भी मेल गैमेट मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन, और यहां पे इसको हम बोलते हैं कॉपुलेशन और सिंपली मैटिंग, फिजिकल मैटिंग और फिजिकल कॉपुलेशन, दो ऑर्गेनिजम्स अपोजिट सेक्स के कॉपुलेशन के अंदर जाते हैं और वो अपना मेल गैमेट जो है मेल अपना मेल गैमेट ट्रांसफर करता है इन द फीमेल बॉडी, बस हो गए केसेस, सिंपल सी बात है। ओके, तो इस तरह से कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल सर आपने बोला अभी कि मेल गैमेट जो है वो जनरली मोटाइल रहता है ना, लेकिन कुछ प्लांट्स हैं मोस्टली प्लांट्स उनका जो मेल गैमेट है वो रहता है इमोटाइल, इमोटाइल नॉन ड्यूएबल, क्लियर, वो खुद नहीं चल के आता है इस सीमा के ऊपर, या तो किसी एजेंडेस को स्टूडेंट ऊपर लाया, या तो वो क्रॉस पॉलिश के दृष्टिकोण पे आया, या तो वो सेल्फ पॉलिश के दृष्टिकोण पे आया, लेकिन ध्यान से देखो जैसे वो सिग्मा पे आया अब वो खुद को नहीं कर सकता क्योंकि वो इमोटाइल है। यहाँ पे नेचर ने रखा एक और चीज पोलन ट्यूब, इस पोलन ट्यूब के थ्रू वो लाया जाता है ओवरी के अंदर, सिंपल सी बात। मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि ऐसे प्लांट्स जनरली जो बाइसेक्सुअल होते हैं उनका जो मेल गैमेट रहता है दैट इज इमोटाइल, वो मूव नहीं कर पाता, लेकिन उनके फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में ऐसा पार्ट रहता है पोलन ट्यूब, इस पोलन ट्यूब के थ्रू ये इमोटाइल स्पर्म जो है इमोटाइल गैमेट जो है ये लाए जाते हैं इस ओवरी के अंदर, इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। ये मैंने आगे भी आपको बताया। ओके बेटा, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट अच्छे से? राइट नाउ फास्ट। ओके, हमारा गैमेट ट्रांसफर भी पूरा पोर्शन खत्म। अब हम आएंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजेशन। कल सैटरडे है, कल ही ये टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा और संडे के दिन इस टॉपिक पे 60% है। ओके, 60 के होंगे। मैंने पूरा ये किया ना कंप्लीट चक्कर, इसलिए 60% या 90 डालो, तो जितने मुझे पॉसिबल हो जाएंगे 60 या 50 या 90 उतना मैं कल आपको बताऊंगा। नाउ बेटा हो गया कैमरे ट्रांसफर, हो गया हमारा
सिंगामी, इस आल्सो नोन एज सिंगामी, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सिंगामी। आप ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज नोन एज द फ्यूजन ऑफ, नहीं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं बोलना कोई, अगर मैंने गैमेट्स बोला ये मेल एंड मेल गैमेट भी हो सकता है, अगर आपने गैमेट बोला ये फीमेल फीमेल गैमेट भी हो सकता है, आपको बोलना है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसलिए तो फॉर्म जाइगोट, जाइगोट बना देखिए, आपको ये भी मालूम है मेल एंड फीमेल गैमेट क्या होते हैं, हैप्लॉइड, जो जाइगोट बनता है दैट इज हैप्लॉइड, मोस्ट जब जाइगोट बनेगा तो वो सिंगामी से बनता है, जरा इमेजिन करो कोई ऐसा एनिमल है हमारे पास जिसमें सिंगामी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिज्म को, फिर भी वो ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, मोस्ट ऑफ एनिमल्स ये करते हैं, ऐसा करते हैं, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसा दिखा, ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस इसलिए उनमें फर्टिलाइजेशन के बगैर ही नया ऑर्गेनिज्म बनता है, वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल पहले मैं कुछ एक्सेप्शन बताऊंगा, हमारे पास हनी बीज है, हनी बीज, कुछ रोटी कीड़ास, ये मैरा एनिमल्स होते हैं, नोटिस करते छोटे छोटे होते हैं समुद्र के पानी में, रोटी कीड़ा, हाँ कुछ बर्ड्स हैं, उसमें कुछ एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, ऑल बर्ड्स नहीं है, टर्की, टर्की एक बर्ड है, ओके हनी बीज है, हाँ रोटी कीड़ास है एंड कुछ बर्ड्स हैं, और कोई एग्जाम्पल है आपके पास? सम स्पीशीज ऑफ लिजर्ड्स, नॉट ऑल लिजर्ड्स बट ओनली सम लिजर्ड, ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने के काबिल है। सर इनमें क्या होता है, इनमें नो सिंगामी, इनमें सिंगामी नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहां पे नया ऑर्गेनिज्म आता है, नो फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, नो फ्यूजन ऑफ, नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जब फ्यूजन नहीं होता फिर क्या होता है, इनमें अनफर्टिलाइज्ड एग, इनके अंदर अनफर्टिलाइज्ड एग जो रहता है फीमेल हनी बी से, फीमेल रोटीपीरा से, फीमेल टर्की से और फीमेल लेजर से, इन सब चीजों से, इन सब ऑर्गन से जो अनफर्टिलाइज्ड एग रहता है उसको स्पर्म नहीं मिलता है, वो अनफर्टिलाइज रहता है, वहां से ही बनता है न्यू ऑफस्प्रिंग। ये सब कैसे हो सकता है, लेकिन इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये, उन एनिमल्स का नाम बताओ जो पार्थिनोजेनेसिस शो करते हैं, वी शो द पार्थिनोजेनेसिस दैट इज हनी बी, इसमें जो क्वीन होती है वही रोटीफेरास बर्ड्स करती है लेजर, ये पार्थिनोजेनेसिस से अपना न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है, अनफर्टिलाइज्ड एग, वो एग अनफर्टिलाइज्ड रहता है, उस एग को स्पर्म नहीं मिलता है, और वो आगे जाके डेवलप होता है न्यू ऑर्गेनिज्म, ऐसा देखने को मिलता है हनी बीज के अंदर मोस्ट, क्योंकि हनी बीज जो क्वीन होती है दैट इज टू एग, उसका एग जो होगा दैट इज एन, इसके अंदर वर्कर बीज होते हैं वो भी होते हैं टू एग,
लेकिन इसराइल होते हैं वो कोई एक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, याद है, जो ड्रोन होते हैं, ड्रोन होते हैं मेल्स, वो होते हैं एंड, याद रखो, वो एंड रहते हैं, वो हैप्लॉयड रहते हैं, क्यों? बिकॉज़ जो भी यहाँ पे नया आर्गनिज्म बनेगा, फ्रॉम एन अनफर्टाइल एग, वो ड्रोन होगी, इनके समझे प्लीज, वो ड्रोन ही होंगे, एंड होंगे, क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे बना है एम से, ये क्या था अनफर्टाइल एग, एंड इसको स्पर्म मिला ही नहीं, इसको दूसरा एंड नहीं मिला स्पर्म वाला, तो ये एंड ही रहेगा ना, तो जो एंड ऑफस्प्रिंग वाले होते हैं वो जनरली एंड होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं बेटा, हैप्लॉयड होते हैं। इसीलिए याद रखना जब हनी बीज पार्थेनोजेनेसिस पे जाते हैं तो वहां पे जो अनफर्टाइल एग से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, जो नया ऑर्गेनिज्म बना वो मोस्टली मेल होते, ड्रोन्स होते, इसीलिए ड्रोन की बॉडी जो है वो एंड होती है, हैप्लॉयड होती है, क्लियर? क्यों? क्यों हैप्लॉयड होती है? क्योंकि यहां पे एग को स्पर्म मिला ही नहीं, एग के पास ऑलरेडी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, वो उसे एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम नया बॉडी बनाएगा, न्यू इंडिविजुअल बनाएगा, तो जो न्यू इंडिविजुअल होगा वो भी तो एनी होगा, वो भी तो हैप्लॉयड होगा, सिंपल है ना? तो पार्थेनोजेनेसिस में जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है अनफर्टाइल एग से, दैट मस्ट बी एन, दैट मस्ट बी हैप्लॉयड, दैट मस्ट बी हैप्लॉयड, ओके बेटा? ये हुआ फर्टिलाइजेशन के केस ऑफ दो एनिमल्स जिनमें सिंगामी नहीं होती, जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जिनमें फ्यूजन नहीं होता है मेल फीमेल गैमेट का, लेकिन फिर भी बच्चा बनता है। अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूंगा, इसमें भी मीडियम्स होते, कहां पे होती है, साइट कहां पे, ऑटोमेशन साइट, फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स है, ये वाला हो गया। अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूंगा, बस दो मिनट हो गया खत्म, अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूंगा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज साइट ऑफ सिंगामी, ऑन द बेस ऑफ द साइट द फर्टिलाइजेशन, द सिंगामी इज टू टाइप्स, ये हो सकती है बेटा इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये हो सकती है आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इनसाइड अगर हो जाएगा तो नाम देंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आउटसाइड होगी तो नाम देंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनसाइड द बॉडी अगर फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अगर आउटसाइड होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दोनों साथ सकता हूं। सबसे पहले सर ऐसा कोई एनिमल है जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, शाबाश, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, लाइक कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हाँ इसमें आएंगे हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग मिस्टर मैन, है ना, मिस्टर मैन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। नाउ हायर प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइटा, like that of the pteridophyta, angiosperms, gymnosperms, in sab mein jo hai that fertilization takes place inside the body, fusion of male and female gamete body ke andar hota hai, female body ke andar hota hai,
इसमें भी अगर हम बात करेंगे पॉइंट नंबर थर्ड की, यहां पे मेल गैमेट नंबर में ज्यादा होता है, क्लियर, जो मेल गैमेट है दैट इज मोर इन नंबर, नंबर में ज्यादा होता है वो, क्लियर। मेल गैमेट जो है वो लिखा मैंने मोटाई लेता है, दिस आर द फीचर्स ऑफ सम, देयर आर सम फीचर्स ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है। अगर मैं बात करूंगा बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अगर मैं बात करूंगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आजू बाजू में बहुत सारी बड़ी बड़ी फिशेस होती है,
वो जनरल इनको खाते हैं। इसीलिए नंबर ऑफ एग और नंबर ऑफ स्पर्म उस लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। ओके बेटा, सो वाज आवर फर्टिलाइजेशन। ओके, समझ आ गया? जिसको कहीं भी डाउट था वो यूट्यूब पे जाके इस वीडियो को फिर से देखो आराम से घर पे बैठ के, जहां भी डाउट होगा तो मुझे आप कल पूछ लो। ओके, चलो।